नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड मैच था। ऑस्ट्रेलिया के उस मैच को जीतने के बाद पूरी अंक तालिका उलट गई। आज वर्ल्ड कप का मैच ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड के बीच था। दोस्तों, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और नीदरलैंड को फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने खेल की शानदार शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वार्नर का शतक लगाया और फिर मैक्सवेल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक बनाया। वहीं दो और खिलाड़ियों ने अर्धशतक बनाया। नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 399 रन बनाए और नीदरलैंड को 400 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैक्सवेल ने सर्वाधिक 106 रन और वार्नर ने 104 रन बनाए। वहीं नीदरलैंड के लिए वैन बीक ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। 400 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने नीदरलैंड की टीम फेल रही। नतीजा यह हुआ कि नीदरलैंड 38 ओवर में 90 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 309 रनों से जीत लिया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जाम्पा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट और मार्श ने 2 विकेट लिए। अब बात करते हैं अंक तालिका की, तो इस मैच को जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया 6 अंकों के साथ अंक तालिका में 4वें नंबर पर है और इस मैच को हारने के बाद नीदरलैंड्स 2 अंकों के साथ अंक तालिका में 10वें नंबर पर आ गई है। अब बात करते हैं पूरी पॉइंट टेबल की। पॉइंट टेबल में नंबर 8 पर भारत और नंबर 2 पर दक्षिण अफ्रीका और नंबर 3 पर न्यूजीलैंड और नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया और नंबर 5 पर पाकिस्तान, नंबर 6 पर अफगानिस्तान और नंबर 7 पर श्रीलंका और नंबर 8 पर इंग्लैंड और नंबर 9 पर बांग्लादेश है। 10वें नंबर पर नीदरलैंड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्रिकेट अपडेट पाने के लिए क्रिकेट इन्फो हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें